हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक्सेल में रिजल्ट बनाना सीखेंगे, तो चलिए गाइस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसी रिजल्ट को आज हम बनाने वाले हैं। ओके, चलिए गाइस, हम यहां पर रिजल्ट का जो मैटर है उसे टाइप कर लेते हैं। आपको सीरियल वाइज सभी मैटर को रिजल्ट के टाइप कर लेना है, ठीक इसी प्रकार। ओके गाइस, गाइस आपको इस प्रकार मैटर को टाइप कर लेना है। क्लियर गाइस, आप देख पा रहे हैं हमने रिजल्ट को मैटर को टाइप कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो और देरी भी ना लगे वीडियो में। क्लियर गाइस, वीडियो थोड़ी फास्ट बनी है जिससे जल्दी वीडियो की एंडिंग हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। क्लियर गाइस,
गाइस यहाँ पे वीडियो फास्ट बनी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। क्लियर गाइस? यहाँ पे आप गाइस सब्जेक्ट को लिख लेना है, सारे के सारे सब्जेक्ट और उनके जो भी नंबर्स हैं आप उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है यहाँ पर गाइस आप मैटर को सेट कर लें, सभी को व्यवस्थित क्रम से जमा लें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छी तरह से दिखे। क्लियर गाइस? आप वीडियो में देख पा रहे हैं लेफ्ट
लाइन को भी सेट कर लें गाइस, ताकि कोई मैटर दब ना जाए। आपको सब चीज को देखते हुए इस रिजल्ट को बनाना है। यहाँ पे आप बॉर्डर को सेट कर दीजिए, अच्छे से जमा लीजिए बॉर्डर को। यहाँ पे आप सब्जेक्ट का भी बॉर्डर ले लीजिए, इसे चारों तरफ इसके बॉर्डर ले लेंगे। यहाँ पे गाइस आप फॉन्ट को सेट करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छे से सेट कर लें। पेज अच्छी तरह सेट हो जाने के बाद गाइस आप यहां पर पेज को कलरफुल कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट अच्छी तरह से बन चुका है। ओके गाइस, अब मान लीजिए हमें इसे प्रिंट आउट में निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि इसका प्रिंट आउट कैसे निकलने वाला है। आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे, हमारा पेज में कुछ इस प्रकार आ रहा है, ये दो पेज में शो कर रहा है गाइस, इसे हमें एक पेज में लाना है। ओके, आप यहाँ से पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप में जाने के बाद इसे आप लैंडस्केप कर लें और ओके कर लें। आप देख सकते हैं गाइस ये एक पेज में आ चुका है। अब मान लीजिए इसे हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो हम प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर से हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा प्रिंटर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद करंट पेज को हम, जो हमारा एक्टिव है उस करंट पेज को हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। और हाँ गाइस, मान लीजिए हमें इसकी कई प्रति चाहिए, कई कॉपी चाहिए, तो हम नंबर ऑफ कॉपीज में यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, हमें
चार से जितनी भी कॉपी चाहिए हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे और यहाँ से प्रिंट आउट ओके कर देंगे। क्लियर गाइस? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको रिजल्ट बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।